इसके अलावा जैसे अब हम आएंगे बनाने में प्लैनेटरी यंत्र, कुछ प्लैनेट्स के यंत्र होते हैं, तो वो हम कब बनाएंगे, कौन सी सिचुएशन में आप किसी एक प्लैनेट के यंत्र किसी को दे सकते हो, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगी। जैसे इसमें अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हो तो उसके माध्यम से भी हम उसे देखेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट किस स्थान पे बैठा है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में अगर हम देखेंगे हॉरोस्कोप का, तो हम इसमें लग्न चार्ट को इनके देखेंगे। इसमें मैं आपको डिटेल्स न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के नहीं कराऊंगी, लेकिन इतनी हिंट दे दूंगी कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ जान के कैसे उनके लिए यंत्र बना सकते हैं और उनके डेली लाइफ के एस्पेक्ट्स को समझ के। जैसे हम आते हैं सूर्यदेव के यंत्र पे, सबसे प्रथम जो यंत्र है सूर्यदेव का यंत्र है। तो सूर्यदेव का यंत्र, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अगर उनके जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि सूर्यदेव की पोजीशन अच्छी नहीं है, या सूर्यदेव 6, 8 और 12 के स्थान पे बैठे हैं, क्योंकि ये स्थान अच्छे नहीं समझे जाते, अगर इन स्थान पे बैठे हैं तो आप उनको सूर्यदेव के यंत्र के लिए बोल सकते हैं। या फिर दूसरा क्या रहेगा, अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ ले और हमें ये देखने को मिले कि अरे इनकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर आ ही नहीं रहा, सपोज आपने रैंडम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ले ली और आपने उसमें देखा कि उसमें एक नंबर है ही नहीं, ना तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के टोटल में आ रहा है, जैसे आप डेट मंथ और ईयर को टोटल कर रहे तो भी एक नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि सूर्य का स्थान जो है वो कमजोर साइड पे है। तो हम सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए सूर्य यंत्र दे सकते हैं। फिर ऐसे लोगों को हम किस लिए और देते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, आप नॉर्मली किसी क्लाइंट के साथ हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि उन्हें नेम फेम मिले सोसाइटी में, उन्हें रिस्पेक्ट मिले और उनके रिलेशनशिप उनके पिता के साथ अच्छे नहीं है, तो भी आप उन्हें सूर्य देव का यंत्र ही देंगे, क्योंकि पिता का स्थान जो है वो सूर्य देव का स्थान होता है। अगर उनसे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो इसका मतलब है कि सूर्य उनके जो चार्ट में है वो अच्छी जगह पे नहीं है, तो हम उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए भी सूर्य देव का यंत्र देंगे। फिर अगर कोई उन्होंने कार्य कराना हो सोशल सर्कल में अपने, जैसे वो चाहते हैं कि सोशल सर्कल में उनका ये कार्य फैले, तो उसके लिए भी हम सूर्य देव का यंत्र देंगे, क्योंकि सूर्य देव की प्रवृत्ति क्या है कि वो फैलाते हैं, रोशनी फैलाते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। तो उसी प्रकार से फिर ओवरकम इम्यूनिटी डिजीजेस, अगर किसी को इम्यूनिटी डिजीज है तो भी उससे बाहर निकलने के लिए हम उनको सूर्य देव का यंत्र देते हैं। इस यंत्र को बनाते समय हम कौन सा मंत्र चैंट करेंगे, हम जो सूर्य देव का बीज मंत्र है उसे चैंट करेंगे। इसमें हम दो तीन चीजें और देखेंगे, एक तो है कि ये आप संडे को भी बना सकते हैं, जैसे जो दिन आपको मैंने बताए उसके अलावा आप संडेस को भी सूर्यदेव का यंत्र बना सकते हैं, और उसके लिए आपको देखना होगा होरा चार्ट। तो होरा चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और हम इसको जब बना रहे होंगे तो कम से कम हम एक माला सूर्य मंत्र की चैंट करेंगे, सूर्य देव के बीज मंत्र की, और फिर हम इस यंत्र को बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है कि हम क्यों बनाएंगे सूर्य देव का यंत्र, हम किसी को क्यों देंगे, कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे और कौन सा बीज मंत्र हम चैंट करेंगे।